राजधानी के बापू सभागार में एकम के द्वारा मुक्ति अनुभव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपदेशक कृष्णा जी और प्रीता जी के द्वारा लोगों को मुक्ति अनुभव संबंधित अभ्यास कराया गया। वहीं इस अवसर पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और पटना की मेयर सीता साहू भी उपस्थित रहीं। आपको बता दें कि वहीं डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद में जहां एकम के कार्यों की सराहना की, वहीं समाज के लिए गीता जी और कृष्णा जी के द्वारा किए जा रहे कार्यों को भी सराहा। डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद ने कहा कि भाग दौड़ की जिंदगी में जिस तरह से लोगों को मानसिक तनाव होता है, जिस तरीके से वो मानसिक तनाव में रहते हैं, तो इस तरीके का कार्यक्रम उनके लिए काफी उपयोगी होते हैं। एक्सपीरियंस अलाइनमेंट कार्यक्रम का ये जो प्रमुख भाग है वो है बुक लॉन्च। आपका स्वागत है। हमें बहुत प्रसन्नता है कि आज फोर सेक्रेट सीक्रेट्स जो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है वो बन रह चुकी है बेस्ट सेलर, और जिसका हिंदी अनुवाद चार परम रहस्य जिसका आज विमोचन होना है। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टुडे। अ वेरी ब्यूटीफुल डे फॉर ऑल ऑफ अस एंड इट्स वेरी लवली फीलिंग फॉर ऑल ऑफ अस दैट easier to get state of experiencing calm, peace, love, joy, and then it moves and scales to enlightened states of aham brahmasmi, tatvamasi, or being one with all that exists. दुख रहित स्थितियों को आप सुंदर स्थितियों से प्रारंभ करते हुए महसूस करते हैं, जहां पर आप शांति में हैं, प्रेम में हैं, प्रसन्नता की अवस्थाओं में हैं, और आगे जाकर ये मुक्ति की स्थितियों तक पहुंचता है, जहां आप अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि या समस्त जीव के साथ एकत्व को अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण जी, महापौर नगर निगम श्रीमती सीता साहू जी, मातृशक्ति के रूप में उपस्थित हमारी बहने सज्जनों, वास्तव में आज मैं श्री प्रता जी को सुन रहा था और प्रथम तो मैं ज्ञान और विज्ञान की से पावन धरती बिहार पर मैं आपका अभिवादन करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ। बिहार ज्ञान की धरती रही, बिहार मोक्ष की धरती रही है, बिहार मार्ग की जन भूमि रही है, भगवान बुद्ध की जो विष्णु के अवतार के रूप में जाने जाते उनकी जन भूमि रही है। बिहार ने आर्यभट्ट को दिया है, बिहार ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति को दिया है, बिहार ने चाणक्य को दिया है। बिहार वो धरती है जहाँ चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पैदा किया है। हम आज ऐसी पावन धरती पर आपका अभिनंदन करते हैं। गया मोक्ष की धरती है, जहाँ हम अपने पितरों को मोक्ष मिले के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसी धरती पर आपका आगमन और जिस प्रकार से आपने जीवन के रहस्यों को और ध्यान के द्वारा परमात्मा के अंश के रूप में जो इस मनुष्य शरीर को एक अंश के रूप में हम जाने जाते हैं, अब उस आत्मा से जो आत्मा हम सब में वास करते हैं उसका परमात्मा से मिलन, ये सारे जो हमारे आध्यात्मिक रहस्य है जिस समय अनेकता में लोग पत्रों से शरीर को ढका करते हैं, जो उसमें भारत में चारों वेदों के ऋचाओं की रचना हो चुकी है,